नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलॉन फॉर मेन एंड वोमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा, हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर। अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर, अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का उद्घाटन करने दरभंगा पहुंचे महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन। राज मैदान में हेलीकॉप्टर हुआ लैंड, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। द्वीप प्रज्वलन कुलगीत एवं मार्च पास्ट के साथ हुई तरंग कार्यक्रम की शुरुआत, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी हुए शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने गुलदस्ते, मधुबनी पेंटिंग एवं सिक्की कला से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर कुलाधिपति एवं अतिथियों का किया स्वागत। राज्यपाल समेत सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने किया तरंग की स्मारिका का लोकार्पण। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा और तरंग जैसे आयोजन को इसे जीवित रखने वाला बताया। अपने संबोधन में कुलपति ने गिनाई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, वर्तमान में किए गए कार्यों की भी विस्तार से दी जानकारी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव सैमसन डेविड ने याद किए पुराने दिन, कहा बरसों बाद आया हूं मिथिला की धरती पर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे वे। राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने कहा विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है राजभवन। कुल सचिव ने जताया महामहिम समेत सभी अतिथियों के प्रति आभार। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल एवं पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ आसपास के इलाके में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। DM एवं SSP सदल बल स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से स्कूल गुरु के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांग को लेकर आयसा ने किया प्रदर्शन, हुए गिरफ्तार, PR बॉन्ड पर रिहा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किस ना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ।
हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, जियोनी और सभी प्रकार के स्मार्टफोन्स सेलिंग के लिए उपलब्ध हैं, और वो भी 0% फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के आकर्षक लोन सुविधा के साथ। आकर्षक एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करना ना भूले। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। चंदा मामा विथ यू सिंस बर्थ, मिर्जापुर रोड, सकमा पुल, दरभंगा। अ कंप्लीट एंड वाइड रेंज ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, किड्स एंड मदर केयर प्रोडक्ट्स। एक ही छत के नीचे पाएं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जॉनसन एंड जॉनसन, मदर केयर, पीजन, जिनी एंड जॉनी एवं मितासी समेत कई कंपनियों के सामान। लाइफ स्टाइल, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन, जिसमें पा सकते हैं 5% से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय, मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। حج اور عمرہ کریے ہمارے ساتھ, पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को, और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का उद्घाटन करने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा पहुंचे बिहार के राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन। तय समय पर उनका हेलीकॉप्टर राज मैदान में लैंड हुआ, वहीं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बिहार के राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम लालजी टंडन पहुंचे दरभंगा। राज मैदान में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ने किया लैंड, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। Thank you.
दीप प्रज्वलन, कुलगीत एवं मार्च पास्ट के साथ हुई तरंग कार्यक्रम की शुरुआत, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रतिभागी हुए शामिल। द्वीप प्रज्वलन, कुलगीत एवं मार्च पास्ट के साथ हुई बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग की शुरुआत, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी हुए शामिल।
दरभंगा विश्वविद्यालय परिवार ने गुलदस्ते मधुबनी पेंटिंग एवं सीकी कला से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर कुलाधिपति एवं अन्य अतिथियों का किया स्वागत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने गुलदस्ते मधुबनी पेंटिंग एवं सीकी कला से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर कुलाधिपति एवं अतिथियों का किया स्वागत। कुलाधिपति समेत सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने किया तरंग की स्मारिका का लोकार्पण। कुलाधिपति समेत सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने किया तरंग की स्मारिका का लोकार्पण। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा बताया और तरंग जैसे आयोजन को ऐसी संस्कृति को जीवित रखने वाला करार दिया। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा और तरंग जैसे आयोजन को इसे जीवित रखने वाला बताया। एक अनुभूति हो रही है कि अभी जो दृश्य मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि हमारी सांस्कृतिक विधा का पुनर्जन्म हो रहा है। हम चाहेंगे कि शक्तिशाली हो जाए, समृद्ध हो जाए, लेकिन दुनिया में हमारी जो पहचान, बिहार का जो इतिहास, यहाँ का जो शिक्षण, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, सबसे बड़ी पहचान हमारी दुनिया में वही है। आपको गर्व करना चाहिए, आप ऐसी धरती पर जन्मे हैं या कार्यरत है कि जहां भारतीय संस्कृति आज भी चाहे हृदय के रूप में हो मौजूद है, उसका स्वरूप ये और छात्रों में एक आनंद की अनुभूति के लिए ये तरंग जैसे कार्यक्रम होता है। ये भूमि विदेह जनक जाक कपिल करना गौतम मंडन उदयावतार जैसे मनुष्यों के तप ज्ञान और साधना के सुवासित मार्गी मैत्रेयी भामादी भारतीय शरीर की विदुषियों की विद्युता से विभूषित सलहेश गोरी और दीना भद्री जैसे लोक नायकों के शौर्य साहस पराक्रम और पुरुषार्थ से ऊर्जा तथा रक्षित महाकवि विद्यापति की सुमधुर पदावली से गुंजित मिथिला की इस पावन भूमि पर आकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। माँ जानकी इसी भूमि पर प्रकट हुई थी। इस भूमि ने वेद वेदांत न्याय दर्शन साहित्य व्याकरण मीमांसा समेत ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने महनीय योगदान से बिहार के उन्नत भाग पर अक्षर टोली का टीका लगाकर इस प्रदेश को गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्रदान किया। हमें ये स्मरण रखना चाहिए
कि धर्म और अध्यात्म के जगत में सिद्धांत को लेकर जब कोई उलझन खड़ी हुई है, विवाद खड़ा हुआ है, तो इसने ही बोर्ड में बैठकर बिहार की नई गौर गाथा लिखने की को उद्यत है। कला और संस्कृति के संबंधन में भी मिथिला के अतुलनीय अवदान को विस्मृत नहीं किया जा सका। मिथिला पेंटिंग के माध्यम से स्टेट के कलाकारों ने भारतीय कला के वैशिष्ट को सदा नया आयाम दिया। लोक जीवन के बहुविध पक्षों को उकेरने वाली ये लोक कला मिथिला के गोसाई घर और सुचिकन आंगन की समिति परिधि से निकलकर आज ये देश देशांतर में अपनी की पकड़ फैला रहा। सीखी कला को भी यहाँ के कल्पनाशील कलाकारों ने नए नए प्रयोगों से अपना ऊंचाई प्रदान की है। मूर्त कला के अनेक कलाकार अपने सजे हुए कौशल का प्रदर्शन कर विदेशों में भी ख्याति और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। दुर्लभ शैली के गाय वादन के लिए विख्यात मिथिला घराने को कौन नहीं जानता। खुशी की बात है कि नई पीढ़ी भी इस घराने की समृद्ध विरासत को संभालने और संभालने की पूरी तन्मयता से लगी हुई है। जय जतिन जैसा प्रसिद्ध लोक नाथ मिथिला की ही देन है। वस्त्र राग नागरी से इस भावपूर्ण क्षेत्र का ऐसा अपील द्वार है कि यहाँ का कोई भी आयोजन संस्कार विधि व्यवहार लोकगीतों की सुरीली स्वर लहरियों के बिना पूर्ण ही नहीं होता। ऐसे सुंदर मिथिला की धरती पर महाविद्यालय श्री तरण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार के कोने कोने से आए युवा प्रतिभागण आज से अपने अपने क्षेत्र के कलात्मक और सांस्कृतिक विशेषता को मनोहारी प्रदर्शन कर बिहार के वैभव की बहुत ही क्षण को नई चमक देंगे। आप सभी अवगत हैं कि तरंग के आयोजन की का सिलसिला 2007 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका मूल उद्देश्य था बिहार के विश्वविद्यालय में अपने सपने को साकार करने के लिए साधन और युवा पीढ़ी के अंदर छिपी साहित्यिक सांस्कृतिक और कलागत संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समुचित मंच उपलब्ध कराना इस आयोजन में प्रतिभागी छात्र छात्राएं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन कर बिहार की सांस्कृतिक समृद्ध और कलात्मक विविधता की इंद्रधनुषी छटा बिखेरेंगी। ये है आयोजन वस्तुआ बिहार की कला संस्कृति की महंगी विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ने की दावी एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। साल दर साल प्रतिभागियों की वर्ष की संख्या तरंग के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते आकर्षण की गाथा स्वयं सुना दी। कुलपतियों के साथ अपनी पहली बैठक में मैंने कहा था कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता तरंग और क्रीड़ा प्रतियोगिता एक क्लब को नए स्वरूप में नई श्रद्धा के साथ आयोजित होना चाहिए। मुझे खुशी है कि इस बार तरंग को और भी व्यापक रूप देने के लिए संगीत नृत्य गाने कला और साहित्यिक विधाने कुल 27 प्रकार की स्पर्धाओं को आयोजित किया जा रहा है। तरंग के अंतर्गत इतनी स्पर्धाएं पहली बार आयोजित की जा रही है। इन स्पर्धाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने अपने क्षेत्र की कलात्मक विशेषताओं को एक दूसरे से साझा कर विविधता में एकता की भारतीय परिकल्पना को साकार करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज देश की नई ऊर्जा से आगे बढ़ा विश्व भारती नेतृत्व की ओर आशा की भरी नजरों से देख रहा। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व में 14 स्थान बना लिया। मंगल जैसे ग्रह को भी भारतीय प्रतिभा ने स्वदेशी यान से अपनी परिधि में समेट लिया। संभव करने का सामर्थ्य हमारे विश्वविद्यालय के युवाओं में ही है। जो आज ऊर्जा से प्रपूर्ण शक्ति से संपन्न और कल्पनाओं से युक्त इस कार्यक्रम में सामने बैठे हैं। प्यारे गांव अपनी कल्पनाओं साकार कीजिए, अपनी शक्ति को
युद्ध से प्रगति कर सफलता को आकार दीजिए और अभाव अराजकता भ्रष्टता से परिपूर्ण समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसा प्रयास कीजिए। मिथिला का हृदय स्थल कहे जाने वाले दरभंगा में अवस्थित ललितायन मिथिला विश्वविद्यालय की को दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है। इससे पहले सन 2010 ईस्वी में तरंग का सफल आयोजन कर इस विश्वविद्यालय ने पूरे प्रदेश की सराहना बटोर दी। मैं आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारीगण स्वयं शिक्षकगण और कर्तव्यगण सब मिलकर इसी बात से बेहतर आयोजन कर तरंग को सफल रखते शिखर तक ले जाने में सफल होंगे। अपने भाषण में कुलपति ने गिनाई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, वर्तमान में किए गए कार्यों की भी विस्तार से दी जानकारी। अपने भाषण में कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने गिनाई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, वर्तमान में किए गए कार्यों की भी विस्तार से दी जानकारी। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा, ब्रांच ऑफिस आर के कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। इस त्योहार कुछ अच्छा लाएं अपने घर, आए वेस्पा और अप्रिलिया गाड़ियों के शोरूम आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में। सभी मॉडल पर 4000 का कैश डिस्काउंट, 2 साल का रोड असिस्टेंस और सर्विस लेबर चार्ज फ्री। पेटीएम मॉल से पेमेंट करें, 5000 का कैश बैक पाएं। इजी फाइनेंस, जीरो प्रोसेसिंग फी, चांदी का सिक्का मुफ्त। आप सबों को धनतेरस, दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट लालबाग दरभंगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774, Shailendra Jha, principal. Electronic products matlab Raj Electronics, Poonam Cinema Road, Darbhanga. TV, fridge, washing machine, mobile phones,
माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो ईएमआई की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलेन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिस लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद अपना का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का उद्घाटन करने दरभंगा पहुंचे महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन। राज मैदान में हेलीकॉप्टर हुआ लैंड, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। द्वीप प्रज्वलन, कुलगीत एवं मार्च पास्ट के साथ हुई तरंग कार्यक्रम की शुरुआत। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी हुए शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने गुलदस्ते, मधुबनी पेंटिंग एवं सीकी कला से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर कुलाधिपति एवं अतिथियों का किया स्वागत। राज्यपाल समेत सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने किया तरंग की स्मारिका का लोकार्पण। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा और तरंग जैसे आयोजन को इसे जीवित रखने वाला बताया। अपने संबोधन में कुलपति ने गिनाई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, वर्तमान में किए गए कार्यों की भी विस्तार से दी जानकारी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव सैमसन डेविड ने याद किए पुराने दिन, कहा बरसों बाद आया हूं मिथिला की धरती पर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे वे। राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने कहा विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है राजभवन। कुल सचिव ने जताया महामहिम समेत सभी अतिथियों के प्रति आभार। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल एवं पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ आसपास के इलाके में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम एवं एसएसपी सदल बल स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से स्कूल गुरु के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांग को लेकर आयसा ने किया प्रदर्शन, हुए गिरफ्तार, पीआर बॉन्ड पर रिहा। अपने संबोधन में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव सैमसन डेविड ने याद किए पुराने दिन, कहा बरसों बाद आया हूं मिथिला की धरती पर। अपने संबोधन में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव ने याद किए पुराने दिन, कहा बरसों बाद आया हूं मिथिला की धरती पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पुराना लगाव रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, यूथ फेस्टिवल जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हैं, इसकी एक अपनी स्टोरी है, सार है, गाथा है। 1954 में द देन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार ने यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू किया और उन्हीं यूथ फेस्टिवल्स में बड़े फैंस आ चुके हैं। मुझे राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने कहा विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है राजभवन। राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने कहा विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है राजभवन। कि महामहिम ने जो शिक्षा के लिए और केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ जुड़े एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, वो निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। प्रतिदिन
ऐसे राजभवन में हम लोग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्रशासन का पोस्टिंग करते हैं और सामान्यतः जो कंप्लेंट आते हैं वो सुनते हैं। वहाँ हम प्रत्येक दिन पहले तो जनता से मिलते हैं और उसके बाद जो फीडबैक आता है उस पर हम लोग डायरेक्शन देते हैं और उसी की वजह है कि हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव महाराष्ट्र नेतृत्व में ला रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों का कि अकेडमिक कैलेंडर जो शैक्षणिक कैलेंडर है और शैक्षणिक माहौल है उसको कैसे पुनर्बहाल किया जाए। और ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक टारगेट ये है कि हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इस साल के अंदर अपने रिकॉग्नाइज हो जाए। अंत में कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने जताया महामहिम सत्र में सभी अतिथियों के प्रति आभार। अंत में कुलसचिव ने जताया महामहिम समेत सभी अतिथियों के प्रति आभार। अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पधारने की जो कृपा की है उसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं उन्हें उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महामहिम जी आपके स्वभाव कमल से तरंग के प्रतिभागी छात्र छात्राओं के बीच नई उमंग और नए उत्साह का संचार हुआ है। उनके मुखमंडल पर दबकती आभा इसकी झलक दिखा रही है। आपने यहाँ पधार कर आतिथेय के नाते हमें गौरवान्वित होने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपके प्रति पुनः पुनः आभार प्रकट करता हूँ। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल एवं पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा रही। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक स्वयं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मॉनिटरिंग करते रहे। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल एवं पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ आसपास के इलाके में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम एवं एसएसपी स्वयं मॉनिटरिंग करते नजर आए। शिक्षा निदेशालय से स्कूल गुरु के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांग को लेकर आयशा ने किया प्रदर्शन, हुए गिरफ्तार, पीआर बॉन्ड पर किए गए रिहा। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से स्कूल गुरु के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांग को लेकर आयशा ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीआर बॉन्ड पर हुए रिहा। ये था तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का उद्घाटन करने दरभंगा पहुंचे महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन, राज मैदान में हेलीकॉप्टर हुआ लैंड, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। द्वीप प्रज्वलन, कुलगीत एवं मार्च पास्ट के साथ हुई तरंग कार्यक्रम की शुरुआत, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी हुए शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने गुलदस्ते, मधुबनी पेंटिंग एवं सिक्की कला से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर कुलाधिपति एवं अतिथियों का किया स्वागत। राज्यपाल समेत सभी अतिथियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने किया तरंग की स्मारिका का लोकार्पण। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने भारत की संस्कृति को सबसे अच्छा और तरंग जैसे आयोजन को इसे जीवित रखने वाला बताया। अपने संबोधन में कुलपति ने गिनाई विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, वर्तमान में किए गए कार्यों की भी विस्तार से दी जानकारी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त सचिव सैमसन डेविड ने याद किए पुराने दिन, कहा बरसों बाद आया हूं मिथिला की धरती पर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे वे।
राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है राजभवन। कुलसचिव ने जताया महामहिम समेत सभी अतिथियों के प्रति आभार। महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल एवं पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ आसपास के इलाके में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। डीएम एवं एसएसपी सदल बल स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे। और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से स्कूल गुरु के समझौते को रद्द करने सहित अन्य मांग को लेकर आयशा ने किया प्रदर्शन, हुए गिरफ्तार, पीआर बॉन्ड पर रिहा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।